तबले की यही थाप उस्ताद जफर मोहम्मद की असली पहचान है। इसी थाप के बूते उस्ताद जफर मोहम्मद कथक नर्तक पंडित दुर्गालाल, रानी खानम, पंडित कृष्ण महाराज से लेकर रीता गांगुली और श्रुति साडोलकर जैसी कई नामी गिरामी हस्तियों की संगीत सभाओं में चार चांद लगा चुके हैं। इसी संगत का असर है कि कई कलाकार आज भी इस शख्स की यादों में बसे हैं। पंडित विश्वमोहन भट्ट, जो कि प्रसिद्ध मोहन वीणा वादक हैं, उनके साथ भी बजा के मुझे बड़ा अच्छा लगा। उनमें कई बातें हैं, लेकारी और सुर वो वगैरह वगैरह, ऐसी बातें कि उनके साथ बजाने में बड़ा अच्छा लगता था। जैसी वो ले बरतते उसी तरह के लिए हम बरतते थे, तो बड़ा अच्छा आनंद आता था। प्रदेश के टोंक शहर में 1969 में जन्मे उस्ताद जफर मोहम्मद को संगीत की शिक्षा अपने पारिवारिक माहौल से ही मिली। उनके इस फन को सही शक्ल दी उनके पिता उस्ताद आमिर मोहम्मद खान ने। 5 साल की उम्र से तबला वादन के लिए समर्पित इस शख्स के लिए गुजरा हुआ कल आज भी सुहाना है। मुझे शुरू से इतना अच्छा माहौल मिला कि मेरा रुझान तबला और गाने की तरफ रहा, और तबले को मैंने अपना सब्जेक्ट चुना और उसमें निरंतर जो है मुझे खुद मैं मेहनत करता रहा। मेरे गुरु हाजी अमीर मोहम्मद खान साहब से मुझे बहुत सीखने को मिला। मुंबई में आयोजित स्वर साधना संगीत समारोह चाहे भारत भवन भोपाल द्वारा आयोजित कार्यक्रम, जफर मोहम्मद ने हर जगह अपनी प्रतिभा के बूते पुरस्कार जीते, लेकिन यादगार क्षण वह है जब पहली बार उन्हें सम्मानित किया गया। बड़ी खुशी हुई और मुझे मेरे दिल में था, तमन्ना थी कि मुझे मिलना चाहिए, और वो मुझे मिला। बहुत कम एज मैं जो है ना, मतलब एक क्लास मुझे मिला, क्योंकि बहुत कठोर परिश्रम के बाद ये ग्रेड हासिल होता है। संगीत के राष्ट्रीय कार्यक्रम में पंडित जगदीश प्रसाद के साथ ही नहीं, उस्ताद सरफराज हुसैन, उस्ताद आशिक अली खान और पंडित विश्वमोहन भट्ट सरीखी हस्तियों के साथ संगत कर चुके उस्ताद जफर मोहम्मद पहले हर कलाकार के मिजाज को समझते हैं, फिर संगत करते हैं। सोलो तबला वो तो अपनी मर्जी का बजाना होता है, कि जो आपको याद है सबक, जिस घराने को आप बिलोंग करते हैं, जो जो सबक आपको याद है वो अपने हिसाब से आप बजा सकते हैं। लेकिन अगर संगत कर रहे हैं तो उसमें ये ख़ास तौर पर ध्यान रखना पड़ता है कि किसके साथ संगत कर रहे हैं और जो जिसके साथ संगत कर रहे हैं उनको क्या चाहिए। मतलब अगर ज़्यादा आड़ कुआड़ ले करते हैं और वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, उनकी लय कमज़ोर है, तो उनके मर्ज़ी की जो है ना सीधी साधी संगत करना पड़ती है। 5 साल की उम्र से तबले पर थाप देने और संगीत की सप्त लहरियां बिखेरने में जुटे इस शख्स के लिए तबला सबसे प्रिय और अंतरंग साथी है, इसीलिए तबला उनकी इस संगीत यात्रा का सबसे बड़ा साक्षी भी है। 30 साल से संगीत की साधना में जुटे जफर मोहम्मद के मुताबिक तबले का यही संगीत दिल की धड़कने भी बढ़ाता है तो दिल को एक सुकून भी देता है, जो सुकून सिर्फ संगीत से ही मिल सकता है, किसी और चीज से नहीं।